से नगर के शाही कटरा मैदान में रविवार की रात दीनी जलसे का आयोजन किया गया। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा कि तलाक के मामले में मुसलमान सबसे पीछे हैं। उन्होंने निकाह और तलाक पर कहा कि पश्चिमी देशों के पारिवारिक रीति रिवाज बर्बाद हो चुके हैं। जिन कौमों में तलाक का रिवाज नहीं है, वहां मर्द और औरत में विरोध के चलते एक दूसरे को जहर देकर मारने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कहा, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के मानने वालों की रक्षा चाहता है। कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 22 लाख तलाकशुदा औरतें हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाख मुस्लिम महिलाएं औरतें शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक औरतों को तलाक देने के मामले में मुसलमान सबसे पीछे हैं, लेकिन उनको 3 तलाक के नाम पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि पूरे भारत में 3 तलाक के मात्र 2900 मामले हैं। कहा कि हम 3 तलाक के इस 2900 मामलों को भी सही नहीं मानते हैं। मौलाना ने कहा कि जो लोग औरतों की आज़ादी का राग अलाप रहे हैं, दरअसल वे औरतों तक पहुंचने की आज़ादी चाहते हैं। वे समाज के अंदर गंदगी फैलाने की मंशा रखते हैं। ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे के साथ रहने का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा, अगर कोई कुछ टिप्पणी करता है तो आप उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि मामला बढ़ाने से अपना ही नुकसान है। इस दौरान मौलाना अब्दुल रहमान साजिद, AMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, मौलाना अबूजर, मौलाना इफ्तिकार अहमद मिफ्ताही मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।